कि भाई जिससे आपकी मुझे ज्यादा ज्यादा चूजे निकल रहे थे दोस्तों। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आप भी अपनी मुर्गियों को कूड़क बिठा रहे हो दोस्तों आप क्या करें कि भाई जिससे आपकी मुर्गी ज्यादा ज्यादा चूजे निकाल रहे थे दोस्तों। अभी मैंने मेरे मुर्गियों को कूड़क पर बिठाया था और दोस्तों देखिए इसने कितने सारे चूजे निकाले। तो दोस्तों अगर आप भी भाई अपनी मुर्गियों को चूजों पर बिठा रहे हो मतलब दोस्तों चूजे निकालने के लिए बिठा रहे हो अंडों के ऊपर, तो दोस्तों आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए और दोस्तों क्या बात मतलब आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे दोस्तों आपकी मुर्गी भी भाई मेरी मुर्गी की तरह इतने सारे चूजे निकालेगी। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप मुर्गी को अंडों पर बिठा रहे हो तो दोस्तों आपको सबसे पहले मुर्गी की साइज़ को देखना है कि वो कितनी बड़ी है और दोस्तों उसके साइज़ के हिसाब से दोस्तों आपको फिर चूजे बिठाने मतलब अंडे रखने दोस्तों उस नीचे। अगर आप दोस्तों छोटी मुर्गी नीचे ज़्यादा अंडे रखोगे तो दोस्तों आपके जो बाहर जितने भी अंडे निकलेंगे मुर्गी के बाहर दोस्तों सारे अंडे खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मुर्गी की साइज़ देख के दोस्तों चूजे पे चूजों को निकालने के लिए बिठाना है मतलब दोस्तों कूड़क बिठाना है। तो दोस्तों अगर आपकी मुर्गी भाई छोटी है तो आपको दोस्तों उसको कम से कम 10-12 अंडों के ऊपर ही बिठाना दोस्तों, लेकिन अगर आपकी मुर्गी बड़ी है तो दोस्तों आप उसके नीचे 19 से 20 अंडे भी रख सकते हो। और दोस्तों अगर आपकी मुर्गी और बड़ी तो दोस्तों आप उसके नीचे 22 से 23 अंडे रख सकते हो, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा आप अंडे मत रखना वरना दोस्तों आपके सारे अंडे खराब भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भाई अपनी मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठा रहे हो तो दोस्तों आपको सबसे पहले बात ये ध्यान रखना है कि भाई उसको अच्छे तरीके से बिठाए और दोस्तों उसको मतलब दूसरे मुर्गियाँ परेशान ना करें दोस्तों, इस बात का आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर भाई दूसरी मुर्गियाँ उसे परेशान करेगी तो भाई जो है वो अंडों के ऊपर ठीक तरीके से इंक्यूबेट नहीं कर पाएगी दोस्तों, अच्छे तरीके से बच्चे नहीं निकालेगी। और दोस्तों बहुत सारे भाई क्या करते हैं भाई अंडों का जो रहते हैं इंक्यूबेशन भाई चेक नहीं करते हैं कितने अंडे मतलब हमारे इंक्यूबेट है भी कि नहीं मतलब कि कितने अंडे फर्टाइल कितने अंडे अनफर्टाइल है। तो दोस्तों आप 5 दिन में भाई अंडों को चेक कर सकते हैं कि कितने अंडे फर्टाइल और कितने अंडे अनफर्टाइल है। अगर दोस्तों आप अनफर्टाइल अंडों को मुर्गी के नीचे निकाल लेते हो तो दोस्तों आपको जो रिजल्ट है वो 100% मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो अनफर्टाइल अंडे रहते हैं दोस्तों उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो फर्टाइल अंडे रहते हैं दोस्तों उनमें से चूजा आप हम बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, अगर आप मुर्गी को बिठाते हो 5 दिन हो गए तो 5 दिनों के बाद दोस्तों आपको अंडों की कैंडलिंग करना है दोस्तों। और अगर आपको कैंडलिंग करते नहीं आते तो दोस्तों आप मेरी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, आप उस पर सीख जाएंगे भाई कैंडलिंग करना। अगर दोस्तों आप ठीक तरीके से कैंडलिंग करते हो तो दोस्तों आपके जितने भी भाई फर्टाइल अंडे वो सारे अंडे में से चूजे निकलेंगे और दोस्तों उसके बाद आपका एक भी चूजा नहीं मरेगा। तो दोस्तों अगर आप इस बात का ध्यान रखते हो तो दोस्तों आपके चूजे हैं वो ज़्यादा ज़्यादा निकलेंगे। और दोस्तों अगर आप मुर्गी को भाई कूड़क पर बिठा रहे हो तो आपको दोस्तों कभी भी एक मुर्गी को कूड़क पर नहीं बिठाना दोस्तों, आपको कम से कम 2 या 3 मुर्गी को दोस्तों अंडों के ऊपर बिठाना, जिससे दोस्तों आपको जो रिजल्ट मिलेगा दोस्तों ज़्यादा मिलेगा। आप कुछ भाई बोलेंगे भाई 2 या 3 मुर्गी को एक साथ कैसे बिठाएं, तो दोस्तों आपको दोनों 2 या 3 मुर्गी को भाई अलग अलग बिठाना है, एक साथ में नहीं बिठाना है दोस्तों, मतलब दोस्तों सबको अपने अपने अलग अलग डले के अंदर बिठाना दोस्तों, जिससे दोस्तों क्या होगा जैसे हमारे 18 दिन बाद भाई चूजे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी भाई चूजे निकल जाएंगे वो सारे अंडे जो जो अंडे बच जाएंगे तो बहुत सारे भाई उन अंडों को फेंक देते हैं, तो दोस्तों आपको उन अंडों को फेंकना नहीं है और जो अंडे रहते हैं दोस्तों उनको भाई दूसरी मुर्गी के नीचे रख देना और सारे चूजों को एक मुर्गी के साथ छोड़ के उनको अलग कर देना और दोस्तों वो मुर्गी वापस अंडों के ऊपर ठीक तरीके से बैठ जाएगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी बार क्या होता है कि भाई सारे भाई जो रहते हैं अंडे निकाल देते हैं और भाई मुर्गी को उठा देते हैं, तो दोस्तों आपको ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो जो उन अंडों के अंदर अगर भाई चूजा है और अगर मतलब थोड़ा लेट है 1 से 2 दिन तो दोस्तों वो चूजा है वो मर जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से जो अंडों के अंदर कमज़ोर चूजे रहते हैं उनकी भाई जान भी बचा सकते हैं। और दोस्तों तो दोस्तों अगर आप मेरे बताए तरीके से भाई अगर मुर्गी अंडे के ऊपर बिठा रहे तो दोस्तों आपके एक भी चूजा भाई नहीं मरेगा और आपको रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर भाई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो दोस्तों मिलते हैं इस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।